नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार की इंटरपास छात्राओं के लिए खुशखबरी है, उनके अकाउंट में 25,000 रुपए आने वाले हैं और ये रुपए अक्टूबर माह के अंत तक मिल जाएंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों को, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये पैसे दिए जाते हैं, वो इंटर पास जब कर जाती हैं और या फिर ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को पैसे मिलते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो है छात्राओं के अकाउंट में अक्टूबर माह के अंत तक ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं, उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इस बार 25,000 अक्टूबर माह के अंत तक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 2022 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय में कुल 5,25,877 छात्राएं सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिनकी शादी नहीं हुई हो। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। इस साल करीब 4,00,000 से ज़्यादा छात्राओं को ये राशि दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रोत्साहन राशि जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। महीने के अंत तक वित्त विभाग से राशि की स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसके बाद ये राशि बिहार बोर्ड को भेज दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंटरमीडिएट छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की ज़रूरत होगी। पहले ये प्रोत्साहन राशि 10,000 थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने 25,000 देने का ऐलान कर दिया था। वहीं ग्रेजुएशन में सफल छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 35 करोड़ राशि निकासी का प्रस्ताव वित्त विभाग ने भेज दिया है। राशि मिलने के बाद अक्टूबर में लगभग 14,000 छात्राओं के अकाउंट में सभी राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। अभी तक पिछले 4 सत्रों में 2015 से 18, 16 से 19, 17 से 20 और 2018 से 21 सत्र के लगभग 1.40 लाख ग्रेजुएट छात्राओं को 25,000 रुपये की दर से 350 करोड़ रुपये भुगतान होना बाकी है। आपको बता दें कि ये योजना जो है छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी, छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, छात्राओं के जो गार्जियन है उन्हें कोई ज़्यादा बोझ ना आए और छात्राओं की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये योजनाएं लागू की थी। आपको बता दें कि जो छात्राएं हैं इसकी वजह से छात्राओं को आगे की पढ़ाई में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो इस योजना के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है, जब अक्टूबर माह के अंत तक ये पैसे छात्राओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।